हेलो फ्रेंड्स, हमारा नया टॉपिक है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नाम से ही पता चलता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें मिनिस्टर्स हो। इनका मेन काम होता है कि जो भी इश्यूज आते रहते हैं टाइम टाइम पर, इनके साथ डील करना, इन्हें टैकल करना। ठीक है, इनके कामों में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिनिस्टर्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, इसके बाद कैबिनेट के बिहाफ में डिसीजन लेना। देखिए, कैबिनेट के पास बहुत काम होते हैं। कैबिनेट के अंडर में वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो अकेले सारे कामों को तो कर नहीं सकता है, तो इसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन किया जाता है। समझ गए, ये कैबिनेट के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा कैबिनेट को रिकमेंडेशन देने का काम भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, कि कैबिनेट को बताना, कि रिकमेंडेशन देना कि आप इस तरह से काम करिए। ठीक है, ये एक एडहॉक बॉडी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। समझ गए, जब 2013 में हमारे देश में 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शनल थे, 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शनल थे। कौन कौन से थे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, सबको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अबॉलिश किया जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है। इसलिए कौन से थे ये देख लेते हैं। जैसे एक था इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट्स को स्टडी करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था। इसके बाद सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था। इसके बाद जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2006 आई थी, इसे स्टडी करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, और इसी तरह के 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद 2013 में सिक्स एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किए गए थे। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का काम भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरह ही था। देख लेते हैं कौन कौन से थे। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था गैस का प्राइस डिसाइड करने के लिए, और गैस को किस तरह से कॉमर्शियली यूटिलाइज़ किया जा सके, इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था इस चीज़ के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो जिन्हें हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, इनमें गवर्नमेंट के का जो शेयर है उनका प्राइस डिसाइड करने के लिए और प्राइस बैंड डिसाइड करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके बाद एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है, जैसे जो हाई स्पीड ट्रेन्स रहती हैं, मेट्रो हो गया, इसके अलावा जो दूसरी मोनोरेल्स या फिर जो भी, इनके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था। देखिए, जो 2005 से 2009 वाला सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, इन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। देख लेते हैं क्या रिकमेंडेशंस थे। इन्होंने कहा था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है, और एक मिनिस्टर जो होता है वो कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में काम करता है, तो वो सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड तो कर नहीं पाता है। इसकी वजह से नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होते हैं, कि मीटिंग्स को रेगुलरली नहीं अटेंड कर पाता है, तो उसके जो मिनिस्टर के खुद के काम होते हैं उनमें भी बाधा आती है, वो भी डिले हो जाते हैं। इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन इस तरह से किया जाए कि उनके पास एक स्पेसिफिक काम हो और उनका काम करने का तरीका ऐसा हो कि उनके खुद के काम में डिले ना हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने काम के प्रति बनी रहे। समझ गए। इसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, 31 मई 2014 को मोदी सरकार ने डिसीजन लिया और जितने भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे और जितने भी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे सबको एबॉलिश कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ख़त्म करने के पीछे इनका मेन उद्देश्य क्या था, ख़त्म करने के पीछे उद्देश्य ये था कि मिनिस्टर्स के पास ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी हो, मिनिस्टर्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा हो, इसके बाद एम्पावरमेंट हो, एम्पावरमेंट आए मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स के प्रति एम्पावरमेंट आए। ठीक है, अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के काम थे, जो उन्हें दिए गए थे काम, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए गए मिनिस्टर्स को, और जो मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के काम। अब देखिए, मैं लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन फॉलो कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, अगर आप पढ़ रहे होंगे, कि अब हमारे देश में फॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ज़रूर हैं। इनफॉर्मल ग्रुप, करीब 16 इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अभी भी काम कर रहे होते हैं। अब चूँकि ये इनफॉर्मल है, इसलिए हमें इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा चैप्टर, छोटा सा था। देखिए, वैसे तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अभी फंक्शनल नहीं है, लेकिन हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की स्टडी करते हैं तो हमें चीज़ों को बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानना ज़रूरी होता है। जो सिस्टम चल रहा है, ना सिर्फ हमें वो जानना ज़रूरी है बल्कि किस तरह से सिस्टम इवॉल्व हुआ,
किस तरह से हमारी पार्लियामेंट काम करती थी, किस तरह से अभी काम करती है, क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब बातों को हमें डिटेल में जानना ज़रूरी रहता है, तभी हम मेंस के आंसर अच्छे से लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी ऑब्वियसली फ़ायदा तो होता ही है। सो दिस वॉज द एसेंस ऑफ द चैप्टर और थैंक यू वेरी मच।